का जो वीडियो है वो ये है कि YouTube एड्स कैसे बंद करते हैं दोस्तों, YouTube वीडियो पर आने वाले एड्स को डिसेबल कैसे करें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एड ऐसे आता है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर, अब देखिए यहाँ पर स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यूट्यूब एड्स कैसे बंद करते हैं और क्या ये पॉसिबल है। तो मैं हूँ राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैंने बहुत मतलब तरीके अपनाए यूट्यूब एड्स को बंद करने का, इवन YouTube वीडियो पर दिखने वाले जो स्किप करने वाले एड्स हैं उसको हमेशा बंद करने का कई सारे मतलब वीडियो मैंने देखे, टिप्स ट्रिक बहुत सारे लोगों ने बताया है, उसमें से मैंने अप्लाई किए अपने मतलब जो भी मतलब ये YouTube वीडियोस पर अप्लाई किया, कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड किए इनका टिप्स सुन के, लेकिन यकीन मानिए उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। यूट्यूब एड्स कैसे बंद कर सकते थे भाई? देखिए यूट्यूब एड्स ये है ना, कोई वेबसाइट बनी है कि हम उसमें कुछ कोड लगा के और यूट्यूब एड्स को बंद कर दें, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये ऐप जो है ऑफिशियल है और ऑफिशियल ऐप में सेटिंग दी गई है कि आप यूट्यूब एड्स को तभी हटा सकते हो, तभी स्किप कर सकते हो, तभी डिसेबल कर सकते हो जब आप यूट्यूब का प्रीमियम लो, एक तरह से पेड सब्सक्रिप्शन, यानी कि यूट्यूब ऐप का सब्सक्रिप्शन लिए बिना आप यूट्यूब वीडियो का एड्स नहीं हटा सकते। तो मैं आप लोग को ये वीडियो क्यों बता रहा हूं भाई, इसलिए बता रहा हूं कि आप दूसरे फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत खराब करो और फालतू का टाइम बर्बाद ना करो, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है यूट्यूब वीडियो पर एड को हटाने का, वो तो एक ये है कि आप उसको 5 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद स्किप कर दो। अभी तो डबल डबल एड आ रहे हैं, आपको स्किप करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि आपको YouTube का पेड प्लान लेना पड़ेगा जो कि महीने का 100 कुछ रुपए होते हैं, 150 रुपए होते हैं, 125 रुपए होते हैं, कई कई जगह पर 99 रुपए हैं, तो कई जगह पर 199 रुपए हैं। तो अगर आप YouTube ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो महीने का, तब जाकर आपको ऐड हटाने भी नहीं पड़ेंगे, यूट्यूब एड्स को बंद भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वो एक महीने का, अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लान लेते हो, तो आपको एक महीने के लिए वहां पर यूट्यूब वीडियो पर ऐड आएगी ही नहीं, तो हटाओगे क्या? यानी कि यूट्यूब वीडियो जितना भी आप देखोगे उस पर ऐड आएगी नहीं, विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ भी जाहिरात नहीं आएगी। और अगर जब भी आपका YouTube का जो पेड प्लान है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद से आपके YouTube, जब भी आप YouTube वीडियो प्ले करोगे, चाहे मूवी देखो चाहे कुछ भी देखो, तो उस पर एड्स आने चालू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप YouTube वीडियो पर से एड्स को हमेशा के लिए हटाना चाहते हो तो आपको YouTube का पेड प्लान लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तीसरा तरीका नहीं है कि आप उसको मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, तो क्या है कि भाई आप कुछ भी तामझाम कर लो उसमें से कुछ देर के लिए हट जाएगा, लेकिन परमानेंट YouTube पर एड्स बंद करने का परमानेंट कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और हां, अगर आप लोग Google Chrome में कोई वेबसाइट ओपन करते हो उस पर एड्स वगैरह आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि गूगल पर आपने कुछ ओपन किया, कुछ सर्च किया, कुछ आर्टिकल आया, कुछ वेबसाइट ओपन हुई और वहां पर आपने देखा कि बहुत ज्यादा एड है, तो उस चीज को आप बंद कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना दिया, यहां पर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि गूगल के एड्स को कैसे बंद करते हैं, वो बहुत ही कारगर तरीका है। अगर आप उसको अप्लाई कर देते हो अपने फोन में, तो आपके फोन में जो गूगल के एड्स होते हैं जैसे कि आर्टिकल का, वेबसाइट का, वो सब नहीं दिखेगा, पॉपअप एड्स नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल यूट्यूब पर एड्स कैसे बंद करते हैं, उसका बेहतरीन और सबसे सही कारगर तरीका क्या है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश की है कि आप दूसरे ऐप को डाउनलोड ना करें, फालतू के ऐप डाउनलोड ना करें, उससे जो है आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब एड नहीं हटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो।